हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन प्लस नाइन सीरीज के सभी फोन्स के बारे में, जिसमें आने वाला है वन प्लस नाइन प्रो, वन प्लस नाइन एंड वन प्लस नाइन ई भी जो है आ सकता है। अब बताया जाए तो इन फोन्स की जो लॉन्च डेट है वो कही जा रही है कि मिड ऑफ मार्च होगी, लेकिन आज मैं आपको सिलसिलेवार एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी इन्फॉर्मेशन आई, और उसके बाद बताऊंगा कन्फर्म स्पेसिफिकेशन जो कि ऑलमोस्ट आ चुकी हैं इन सभी फोन्स की। तो अगर आप इन फोन्स का वेट कर रहे हैं तो आप जान लेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या कुछ मिलने वाला है वन प्लस नाइन सीरीज के इन नए फोन्स में आपको। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो कोई भी कंपनी फोन अपना जब लॉन्च करती है तो उसका एक इंटरनल कोड नेम डिसाइड हो जाता है। तो वन प्लस नाइन सीरीज के फोन्स का नाम है लिमिटेड, जो कोड नेम है, ताकि पता ना चले कि किस फोन के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो 21 अक्टूबर को एक खबर आई थी कि मिड ऑफ मार्च में ये फोन लॉन्च होंगे। अब देखा जाए तो लॉन्च साइकिल की अगर हम बात करें तो यहां पे OnePlus 8 पिछली बार अप्रैल में लॉन्च हुआ था, और अब ये मिड ऑफ मार्च ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो मार्च के अंदर OnePlus जो है अपना फोन लॉन्च करने वाला है। अब इसके बाद आगे बात करें तो 28 अक्टूबर को एक और लीक आई, और जिसके अंदर हमें कुछ और पता चला, जैसे कि क्या प्रोसेसर होगा वन प्लस नाइन सीरीज के फोन में। इसमें कहा गया कि स्नैपड्रैगन 888 आपको मिलेगा, यह भी कहा गया कि 144 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले मिल सकता है, यह भी कहा गया कि पंच होल वाला डुअल कर्व डिस्प्ले होगा वन प्लस नाइन प्रो में, और इसके अलावा IP68 की सर्टिफिकेशन वन प्लस नाइन प्रो एंड नाइन दोनों में मिल सकती है। हालांकि 9E के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के बारे में भी कहा गया। ये सारी इंफॉर्मेशन वीबो पोस्ट से निकली, और वायर्ड चार्जिंग वन प्लस नाइन सीरीज के फोन में 65 वॉट की कही गई। दोस्तों, इसके बाद अगला अपडेट आया 14 नवंबर को, जब 91 मोबाइल्स ने कैड रेंडर निकाला वन प्लस नाइन का, जिसमें ये कुछ दिख रहा था कि इसके अंदर लेफ्ट पंच होल वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, तीन कैमरा होंगे पीछे की तरफ, और रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल होगा जिसमें दो बड़े कैमरास और एक छोटा कैमरा होगा। यानी कि वन प्लस नाइन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरास मिल सकते हैं रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ, और पंच होल वाला कैमरा मिलेगा वो भी डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले शायद कर्व नहीं होगा लेकिन पंच होल कैमरा आपको मिलेगा। दोस्तों, अगला लीक आया 23 नवंबर को ऑनलीक्स की तरफ से, जहां पे इन्होंने वन प्लस नाइन प्रो का रेंडर निकाला, और इस रेंडर के अंदर ये दिखाया गया कि इसमें कर्व डिस्प्ले होगा, लेफ्ट पंच होल होगा, रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल यहां पे भी होगा, लेकिन यहां पे टोटल मिला के चार कैमरास होंगे जिसमें दो बड़े कैमरास और दो छोटे कैमरास होंगे, और इसकी कुछ फोटोज वगैरह भी लीक हुई। तो इस तरह से कैमरा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया वन प्लस नाइन एंड नाइन प्रो का। दोस्तों, 8 दिसंबर को एक और खबर आई मैक्स जंबूर की तरफ से, जिन्होंने बोला कि IP68 सर्टिफिकेशन आपको वन प्लस नाइन प्रो में मिलने वाली है, वन प्लस नाइन में ये सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद अगली खबर आई 14 दिसंबर को फोन अरीना की तरफ से, जहां पे उनको वन प्लस नाइन के प्रोटोटाइप की कुछ इमेजेस मिल गई, और काफी कुछ चीजें यहां पे कंफर्म होने लगी, जैसे कि वन प्लस नाइन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 6.5 इंच का FHD डिस्प्ले मिलेगा, और ये भी कंफर्म हो गया कि इसमें आपको 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले नहीं, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा, और ये HDR डिस्प्ले है, तो अच्छी क्वालिटी का AMOLED डिस्प्ले आपको यहां पे मिलने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई वन प्लस नाइन प्रोटोटाइप के फोटोज की वजह से। और दोस्तों, इसके बाद वन प्लस नाइन का प्रोटोटाइप ईवे पे भी लिस्ट हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं वन प्लस नाइन का प्रोटोटाइप चोरी हुआ या कहीं से लीक हुआ, जो कि और लोगों के हाथ में लग गया, और काफी कुछ डिटेल्स जो है सामने आ गई। इसके बाद जो अगली खबर आई वो मैक्स जंबूर की तरफ से आई थी, वो 4 जनवरी को आई खबर, और इसमें इन्होंने कहा कि 45 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको वन प्लस नाइन प्रो में मिलने वाली है, और साथ साथ उसमें रिवर्स चार्जिंग भी मिलने वाली है। हालांकि यहां पे वन प्लस नाइन में भी वायरलेस चार्जिंग होगी, लेकिन उसकी वॉटेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यहां तक इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो पाई। दोस्तों, अगला वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट लीक का है, जो कि डे टू डी ने डाला, और डे टू डी ने यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी वन प्लस नाइन प्रो के बारे में। वन प्लस नाइन प्रो के साथ पार्टनरशिप रहेगी वन प्लस एंड हैसलबैड की, जो कि कैमरा कंपनी है, और इसी वजह से इस तरह की ब्रांडिंग वहां पे उस फोन में देखी गई। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो गया कि वन प्लस नाइन प्रो में QHD डिस्प्ले मिलेगा, और वो भी 120 हर्ट्ज वाला AMOLED स्क्रीन, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। दोस्तों, लास्ट लीक कल ही आई है, और मैक्स जंबूर की तरफ से 9 फरवरी को ये लीक आई है, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वन प्लस नाइन एंड नाइन प्रो दोनों में ही 4500 mAh की बैटरी होगी, ये डुअल सेल बैटरी होगी, दोनों के ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे, यानी कि चार्जर बॉक्स से नहीं हटाए गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिग थम्स अप टू वन प्लस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी कंफर्म हो गया कि 65 वॉट की चार्जिंग आपको 9 प्रो में मिल जाएगी, और क्योंकि बैटरी ऑलमोस्ट सेम है 9 की, तो
वहां पे भी आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, लेकिन वायरलेस चार्जिंग में 40 या 45 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको 9 प्रो में मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि 9 के बारे में ऐसा कुछ अभी नहीं पता है। दोस्तों सारी लीक्स और सारे इवेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको सीधा सीधा स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं। तो यहां पे OnePlus 9 Pro के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। QHD प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, HDR 10 प्लस वाला डिस्प्ले, 6.7 इंच का कर्व डिस्प्ले आपको मिल सकता है, Snapdragon 888, 12GB तक की रैम, 256GB की स्टोरेज और साथ ही साथ चार कैमरा सेटअप, 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, डुअल सेल बैटरी है, 65 वॉट की वायर चार्जिंग का सपोर्ट होगा और 40 या 45 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा, IP68 सर्टिफाइड होगा और 8mm की थिकनेस, यानी कि काफी स्लिम हो सकता है OnePlus 9 Pro। अगर बात करें OnePlus 9 की तो वहां पे आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, वहां पे भी वो 120 हर्ट्ज का पैनल होगा लेकिन वो FHD प्लस होगा, Snapdragon 888 वहां पे भी मिलेगा। अब बैटरी वहां पे 4500 mAh की है लेकिन शायद चार्जिंग की स्पेसिफिकेशन में कुछ फर्क हो सकता है और चार्जिंग का जो अडैप्टर है वो शायद 65 वॉट का हो या ना हो वो भी कंफर्म नहीं है, और वायरलेस चार्जिंग वहां पे है या नहीं ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आई तो हो सकता है कि कुछ कम वॉटेज मिले आपको कंपेयर टू OnePlus 9 Pro। और इसमें सबसे कम डिटेल्स जो है OnePlus 9e के बारे में, क्योंकि उसमें शायद कुछ नया नहीं होगा, वो 8T का ही एक रीवैम वर्जन होगा, OnePlus 9T या 9e जो भी उसका नाम रखेंगे वो पता चल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी हमारे पास OnePlus 9 सीरीज के सभी फोन के बारे में जो हमने आपको बता दी है। अब आपके कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।